और भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम ठीक ठाक? यार तुम ठीक हो या ना हो, लेकिन मेरी तो फटी पड़ी है यार एडिटिंग कर करके। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेकलेस चैप्टर के बारे में। ये कहानी यार बहुत ही मजेदार कहानी है, तुम इसे यार अपने डे टू डे लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो। ये यार एक पति और पत्नी की कहानी है, ठीक है? तो तुम यार इसे रिलेट कर सकते हो। शादी नहीं हुई लेकिन कर सकते हो यार। इसमें एक औरत होती है जिसका नाम होता है मटिल्डा। वो यार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन यार उसकी किस्मत इतनी फूटी थी ना कि वो एक गरीब क्लर्क परिवार में पैदा हो जाती है। वो यार गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। यार उसकी शादी करने की उम्र हो गई थी, लेकिन ना तो उसके पास दहेज था, ना उम्मीद थी, और ना ही कोई ऐसा साधन था जिससे वो एक किसी अमीर परिवार में जाकर शादी कर सके, एक सज्जन परिवार में जाकर शादी कर सके। वो यार अपना पूरा जीवन ना कष्ट में बिताती है और अपने आप को दिलासा दिलाती है कि एक दिन तेरा भी दिन आएगा जब तू भी अमीर बनेगी और अमीर लोगों की तरह बड़े बड़े शौक पालेगी, अच्छे अच्छे भोजन होंगे, अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए। और इसी ख्वाब में वो अपना पूरा जीवन बिता देती है। वह अपने घर की गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। खराब से दरवाजे थे, टूटी हुई कुर्सी थी, और दीवार तो यार एकदम से ही वाहियात लग रहा था। और अपने आप को हमेशा कोसती थी कि कौन सा पाप किया था जो इस घर में जन्म ले लिया, काश मैं भी एक बड़े घर में जन्म लेती। फिर यार उसकी शादी करा दी जाती है। उसका पति यार द बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क था। वो यार शादी के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो ना खुश थी, वो बहुत ही अनहैप्पी थी। उसका पति यार जब भी शाम में ऑफिस से आता और वो लोग यार साथ में बैठकर भोजन करते थे, तो उसका पति यार सूप के बने हुए बर्तन के ढक्कन को उठाता था और भोजन को देखकर कहता था, वाह कितने अच्छे भोजन है, इससे अच्छा तो भोजन हो ही नहीं सकता है। और वहीं दूसरी ओर हमारी मटिल्डा जो है यार, वो ख्वाबों की दुनिया में खोई होती है। वो सोचती है कि वाह, यही भोजन अगर मुझे चांदी के बर्तन में मिलते तो कितना अच्छा होता। अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते जो कि यार शानदार बर्तन में परोसे जाते। वो यार हमेशा ही अमीर बनने की ख्वाब देखती थी, अमीरों वाले शौक थे यार उसको। उसके पास यार ना तो ढंग का फ्रॉक था और ना ही गहने थे, और वो यार बस इन सब चीज़ों से ही प्यार करती थी। वो चाहती थी कि काश मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छे अच्छे गहने हो, लग्जरियस लाइफ हो, जो कि यार उसकी किस्मत में बिल्कुल भी नहीं लिखा था। हम भी सोचते हैं यार कभी कभी कि काश यार हमारा बाप भी अंबानी होता, टेंशन ही नहीं होती यार, जो मन करता वो करते। लेकिन यार किस्मत में लिखा है पढ़ना, तो पढ़ो। मटिल्डा की यार एक स्कूल की दोस्त थी जो कि यार बहुत ज़्यादा अमीर थी। वो लोग यार साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उसके घर से वापस अपने घर लौटती तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। वो यार वहाँ जाकर उसके घर में अच्छे अच्छे चीज़ देखती थी, और अपने घर में आकर देखती थी तो वही टूटा फूटा दीवार दिखता था उसको, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब उसका पति यार शाम में ऑफिस से आता है तो उसके हाथ में यार एक बड़ा सा लिफाफा होता है, और वो यार खुशी से लाकर अपने पत्नी को यानी कि मटिल्डा को देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। वो तुरंत ही यार उसको खोलती है, उसमें यार एक छपा हुआ इनविटेशन कार्ड रहता है जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रम्पोनियो आस्क्स द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लोइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्ट्रीज रेसिडेंस। उसके पति का नाम यार लोइजल था, तो उसका पति सोचता है कि मटिल्डा ये इन्विटेशन कार्ड पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन यार मटिल्डा खुश होने के बजाय बड़बड़ाते हुए उस इन्विटेशन कार्ड को यार फेंक देती है और अपने पति से कहती है, आप क्या समझते हो मैं इस कार्ड का क्या करूंगी? तो उसका पति कहता है कि मैंने सोचा था तुम इस इनविटेशन कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी, तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, ये बहुत ही शानदार मौका है, ऐसे अवसर की चाहत तो सबको होती है, ये इनविटेशन कार्ड सिर्फ कुछ कर्मचारियों को ही दिया गया है, तुम वहाँ सभी अधिकारियों से मिल पाओगी। तो यार मटिल्डा गुस्से में अपने पति की तरफ देखती है और कहती है, क्यों जी आप क्या समझते हैं, ऐसे पार्टियां पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं? उसके पति ने यार ये सोचा ही नहीं था कि उसके पास कपड़े भी नहीं है। तो उसका पति कहता है, क्यों उसे पहन लेना जिसे पहनकर तुम मेरे साथ थिएटर गई थी, वो ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। फिर यार मटिल्डा रोने लगती है और उसका पति यार निराश पूर्वक खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? और फिर यार उसको मनाने लगता है, वो कहता है, क्या हुआ क्या बात है, चुप हो जाओ क्या बात है? तो यार मटिल्डा अपने गुस्से को शांत करते हुए और अपने गीले गीले गालों को यार पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही, मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है इस पार्टी में पहनने के लिए, मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, आप प्लीज़ ये इन्विटेशन कार्ड किसी दोस्त को दे दीजिए जिसकी बीबी के पास बहुत ही अच्छे ड्रेस हो। उसके पति को यार बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है, तो वो अपने पत्नी से कहता है, ओ मटिल्डा चलो चल के देखते हैं कि एक साधारण सा कपड़ा कितने में आ जाएगा, कोई ऐसा ड्रेस जो किसी दूसरे अवसर पर भी काम आ जाए। कुछ समय के लिए मटिल्डा जो है यार सोच में पड़ जाती है, वो सोचती है कि मैं कितना रकम बताऊं कि मेरा पति जो है इनकार ना कर सके। तो वो झिझकते हुए कहती है, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है 400 फ्रैंक्स में आ जाएंगे। फ्रैंक्स यार वहाँ की करेंसी है, ठीक है? ये सुनकर यार उसके पति का चेहरा ही उतर जाता है। उसने यार बड़ी ही मुश्किल से इतने सारे पैसे जमा किए थे एक गन खरीदने के लिए, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पर जा सके संडे को। लेकिन फिर भी अपने पत्नी का दिल रखने के लिए वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, पर एक अच्छा सा ड्रेस खरीदना। धीरे धीरे यार पार्टी का दिन जो है बहुत ही नजदीक आ रहा था। मटिल्डा यार अभी भी परेशान और चिंता में थी, जबकि उसका ड्रेस यार बिल्कुल ही रेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो परेशान थी। तो एक दिन यार उसका पति जो है शाम में घर पर आता है और वो अपने पत्नी से कहता है, यानी कि मटिल्डा से कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम 2-3 दिन से बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही हो। तो वो बोलती है, मुझे इस बात से दुख है कि मेरे पास एक भी जेवर नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे पहनकर मैं बहुत ही अच्छी दिख सकूं, अपने आप को सजा सकूं, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं इस पार्टी में जाऊं ही ना। मतलब यार पत्नी हो या गर्लफ्रेंड, नखरे यार सबके होते हैं। तो इसी बात पे उसका पति बोलता है, तुम कुछ ताजे नेचुरल फूल लगा लो, उसमें तुम बहुत ही अच्छी दिखोगी, इस मौसम में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो यार मटिल्डा कहती है, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी वो सारी चीजें, मैं इतनी सारी अमीर औरतों के बीच में अपमानित होना नहीं चाहती हूँ। तो उसका पति यार गुस्से में चिल्ला बैठता है और कहता है, हम कितने बेवकूफ हैं, जाओ अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से जाकर कुछ गहने उधार पर मांग लाओ। तो मटिल्डा यार खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं तो जाके अपनी सहेली से मांग सकती हूँ ना। अगले ही दिन यार वो अपने स्कूल फ्रेंड यानी कि मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और अपनी सारी परेशानी बताती है। उसकी सहेली यार अलमारी के पास जाती है और उसमें से यार कुछ अच्छे आभूषण के डब्बे निकाल कर उसके सामने रख देती है और कहती है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम ले लो। वो यार उसमें से कुछ गहने उठाकर अपने ऊपर सजाकर देखती है कि कैसा लग रहा है। उसमें यार अलग अलग प्रकार के गहने थे और वो सबको उठाकर पहनकर देख रही थी कि कौन उस पर शूट कर रहा है, कौन उस पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोतियों का बना हुआ एक हार था, वेनिस किया हुआ एक सोने का हार था, सब यार ठीक ठाक ही थे, लेकिन उसमें से उसको कोई भी जमा नहीं। तो वो अपने सहेली से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और गहने नहीं है? तो यार उसकी सहेली यानी कि मिसेस फॉरेस्टियर कहती है, हाँ है ना मेरे पास, मैं दिखाती हूँ अभी तुम्हें, रुक जाओ। वो यार कुछ और डब्बे लाकर उसके सामने रख देती है और कहती है, इसमें से तुम्हें जो पसंद आता है वो तुम ले लो, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें बस इतने ही दिखाए थे। अचानक से यार एक काला रेशमी डब्बा यार उसके सामने आता है, उसमें यार एक हीरे का बहुत ही शानदार सा हार था। मटिल्डा को वो हार बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसके हाथ यार कांपने लगते हैं जब वो उस हार को उठा रही होती है। उसे अपने गर्दन में बांध कर चारों ओर देखती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो अपने दोस्त से पूछती है यानी कि अपनी सहेली से पूछती है, क्या मैं ये ले लूं? तो उसकी दोस्त कहती है, हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारे ही तो हैं, तुम ले लो। तो वो अपने दोस्त से कहती है, क्या तुम मुझे ये उधार पर दे सकती हो? तो उसकी सहेली उसकी दोस्त कहती है, सिर्फ यही? हाँ यही, बस मुझे यही चाहिए। अबे क्या बात कर रही हो यार, ले लो, तुम्हारा ही तो है। वो यार खुशी से उछलकर अपने सहेली के गले लग जाती है और अपने उस हार को लेकर वो घर वापस आ जाती है। फिर यार पार्टी का दिन आ जाता है और वो अपने इस काम में यार बहुत ही ज्यादा सफल रहती है। मिसेस लॉयजल यानी कि मटिल्डा जो है यार पार्टी में आए हुए सभी औरतों से बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही थी। जितने भी पुरुष आए हुए थे यानी कि लॉयजल के जितने भी फ्रेंड आए हुए थे यार, वो उसके बारे में बहुत ही ज्यादा पूछ रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उससे उसका नाम पूछ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे थे। सीधा सा मतलब समझो यार, वो लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। और मटिल्डा यार बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि यार पार्टी में आए हुए जितने भी औरत थी यार वो सबसे अच्छी दिख रही थी। वो लोग यार पार्टी को खूब इंजॉय करते हैं, एकदम डांस वांस करते हैं। इधर यार उसका पति जो है अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है, मस्त चिल मार रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद यार वो लोग 4 बजे अपने घर लौट जाते हैं। उसका पति यार आधी नींद में फुल टन होकर अपने दोस्तों के साथ पड़ा हुआ था। फिर उसका पति आता है और अपने साथ जो चादर लेके आया था वो मटिल्डा को दे देता है और मटिल्डा यार उसको पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी यार उसको वो ओढ़ लेती है और सभी औरतों से छुप छुपाकर तेजी में वहां से भागने लगती है, क्योंकि यार अगर औरतों ने देख लिया तो वो लोग जान जाएंगे कि ये गरीब परिवार से हैं। अपने आप को यार शर्मिंदा होने से वो बचाना चाह रही थी। उसका पति यार उसको आवाज देता है, कहता है, मटिल्डा रुक जाओ, मैं कैब को कॉल कर रहा हूँ, कैब वाला आएगा, हम उसी से जाएंगे। लेकिन यार मटिल्डा बिल्कुल भी नहीं सुनती है और सीढ़ियों से वो तुरंत ही नीचे चली जाती है। उसका पति भी यार पीछे पीछे आ जाता है और गली में पहुंचने के बाद यार वो लोग गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। वहां पर यार कोई भी गाड़ी वाला नहीं था। वो यार दूर से आने वाले सभी गाड़ियों को देखते थे और हाथ देने की कोशिश करते थे ताकि वो लिफ्ट विफ्ट दे, रोक वोक दे ताकि वो अपने घर जा सके। कोई भी गाड़ी वाला यार उनको नहीं मिलता है। तो फिर यार वो लोग पैदल पैदल ही नदी किनारे अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरकार उन लोग को यार एक पुरानी गाड़ी मिलती है जो कि यार अक्सर पेरिस में आधी रात को ही चलती है। वो लोग यार गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी का ड्राइवर यार उनको उनके दरवाजे तक छोड़ देता है। उसके पति को यार सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना था, तो वो लोग यार जल्दी जल्दी अपना ड्रेस जो है वो चेंज करने लगते हैं। तभी यार अचानक से मटिल्डा की नज़र उसके हार पे जाती है। वो देखती है उसका हार जो है यार उसके पास नहीं था, मतलब कि जो हीरे का हार था ना वो यार खो चुका था। वो यार चिल्लाती है और कहती है, मेरे पास मेरे हार नहीं है, वो खो चुके हैं, कहीं गिर गया। उसका पति यार ऑलरेडी आधे कपड़े उतार चुका था, तो वो यार भागते हुए आता और कहता है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? तो मटिल्डा कहती है, मिसेस फॉरेस्टियर का हार गुम हो चुका है। उसके पति का यार दिमाग हिल जाता है, वो कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। वो लोग यार सारे जगह उस गहने को खोजने लगते हैं, कभी कपड़े में देख रहे हैं, कभी जेब में देख रहे हैं, मतलब कि यार चारों तरफ वो गहने को खोज लेते हैं, लेकिन उनको उनका गहना नहीं मिलता है। तो उसका पति पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम मंत्री के घर से निकल रही थी तब वो तुम्हारे पास ही था? हाँ, जब हम लोग बाहर आए थे तो वो मेरे पास ही था, मैंने उसको महसूस किया था, और अगर वो गली में गिरता तो हमें उसकी आवाज सुनाई देती, तो हो सकता है कि ये गाड़ी में ही गिरा होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया, तुमने? नहीं, मुझे भी याद नहीं है। फिर यार वो लोग बड़ी ही हैरानी के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसका पति यार सारे कपड़े वपड़े फिर से पहन लेता और कहता है, मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पे जहाँ हम लोग पैदल चल रहे थे, शायद मुझे वहाँ पे वो मिल जाए। इधर यार दूसरी ओर मटिल्डा के होश उड़े हुए होते हैं, उसको यार नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सुबह 7 बजे के आसपास यार उसका पति वापस लौटता है और उसको हार नहीं मिलता है। वो लोग यार पुलिस कंप्लेन करते हैं, गाड़ी के दफ्तर जाते हैं जहाँ पे यार गाड़ी वगैरह रहती है ताकि वो गाड़ी वाला मिल जाए तो उनसे वो पूछ सके। न्यूज़पेपर में भी यार घोषणा कर देते हैं, कहते हैं कि जिसको भी मिलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। वो लोग यार सारे तरीके अपना लेते हैं, लेकिन उनको यार मिसेस फॉरेस्टियर का गहना नहीं मिलता है। उसका पति यार थक हार कर निराश होकर सामने वापस आता है और मटिल्डा से कहता है कि तुम मिसेस फॉरेस्टियर को एक पत्र लिखो और उसमें कहो कि उनका जो गहना है उसका कुछ पार्ट टूट गया है, हम तुरंत ही उसको अच्छा से रिपेयर वगैरह कराकर वापस दे देंगे। मटिल्डा यार बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो यार लेटर लिखकर अपने फ्रेंड को भेज देती है। उन लोगों को यार कुछ दिन का और समय मिल जाता है ताकि वो लोग यार उसका हार जो है वो ढूंढ सके। एक हफ्ता बीत जाता है और वो लोग यार पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देते हैं। उसका पति यार इतना ज्यादा टेंशन में रहता था कि वो अपने वास्तविक उम्र से 5 साल बड़ा दिख रहा था, मतलब यार टेंशन में एकदम चेहरा उतर सा नहीं जाता है, वैसा दिख रहा था वो।
फ्रिया उसका पति कहता है कि हमें उसके हार के बदले में कोई दूसरा हार देना चाहिए। उसकी पत्नी भी यार इस बात से एग्री हो जाती है। वो दोनों ही यार पैलेस रॉयल में जाते हैं, जो कि यार वहाँ का नामी ज्वेलरी का दुकान था। वहाँ पर यार उन लोगों को एक सेम टू सेम हीरे का हार दिख जाता है। वो लोग यार उसका प्राइस पूछते हैं तो वो कहता है 40,000 फ्रैंक्स है इसका दाम, लेकिन यार डिस्काउंट वगैरह करके उन लोग को 36,000 फ्रैंक्स में वो मिल जाता। उसके पति के पास यार सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स ही थे, जो कि यार उसके पिता ने उसके लिए छोड़ रखे थे। जैसे तैसे करके यार उसका पति जो है कर्ज लेता है, किसी किसी से उधार मांगता है, और फिर यार वो लोग 36,000 फ्रैंक्स में वो हार खरीद लेते हैं। इधर यार मिसेस फॉरेस्टियर जो है यार मैटिल्डा को कहती है कि मुझे मेरा हार वापस चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। मैटिल्डा यार वो हार लेकर मिसेस फॉरेस्टियर के पास पहुंच जाती है। मिसेस फॉरेस्टियर यार डब्बे को नहीं खोलती है, वो यार बिना देखे हुए उस हार को रख लेती है। और इधर यार मैटिल्डा को डर लग रहा था कि अगर उसने कहीं देखा और उसको पता चल गया कि यार ये तो दूसरा है, तो वो तो उसको चोर समझेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो यार डब्बा को खोलती नहीं है और बिना डब्बे को खोले हुए वो रख लेती है। इस घटना के बाद यार वो लोग बहुत ही भयंकर कर्ज में डूब जाते हैं, और कर्ज तो यार उतारना था, नहीं उतारोगे तो आके तुमको लाठी वाठी मार के जाएंगे वो लोग। किसी से पैसे लिए हो यार, देना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए वो लोग यार बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जो उसने नौकरानी रख रखी थी यार वो नौकरानी हटा देते हैं, घर बदल देते हैं, एक किराए का घर ले लेते हैं, और जितना काम था यार मैटिल्डा खुद करती थी। मैटिल्डा यार सारा काम अपना खुद करने लगी। जो भी यार घर के काम होते हैं ना, जैसे कि बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, ये सारे काम यार वो खुद से करने लगी। लाइन में लगकर यार पानी लाती थी, दुकान में जाकर सब्जी लाती थी, और अपना एक एक पैसा बचाने के लिए वो यार बार्गेनिंग करती थी। उसका पति यार शाम में एक्स्ट्रा वर्क करता था, व्यापारी के जितने भी हिसाब किताब थे यार वो सबको ठीक ठाक करता था। मतलब कि यार उन लोगों की जिंदगी एकदम आम जिंदगी हो गई थी, जैसे पहले जिंदगी थी उससे भी गिरकर बदतर हो गई। वो लोग यार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि वो लोग कर्ज चुका सके, और ऐसा यार 10 साल तक चलता रहा। और 10 साल के बाद वो लोग यार फिर से अपना सब चीज वापस ले लेते हैं। मतलब यार सिर्फ एक हार के लिए वो लोग यार 10 साल तक ऐसी जिंदगी जीते हैं। मैटिल्डा यार बहुत ही ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी, और मजबूत और कठोर किस्म की इंसान हो गई थी। जैसे कि यार गरीब घर की औरतें होती है ना, एकदम कठोर पत्थर दिल, वैसा ही हो गई थी मैटिल्डा भी। उसके बाल यार एकदम बिखरे हुए होते थे, कपड़े यार बिल्कुल भी प्रेस नहीं किए होते थे, एकदम साधारण और गरीब दिखती थी। और कई बार जब उसका पति यार ऑफिस में होता था तो वो यार खिड़की के पास जाकर बैठ जाती थी और अपने पुराने जीवन के बारे में सोचती थी। वो सोचती थी कि कैसा उसका जीवन था यार, उस रात की पार्टी के बारे में सोचती है, उसमें यार उसने जो डांस किया था, वो जो उसका माहौल था यार, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो सब चीजें वो याद करती है। वो ये भी सोचती है कि आज मेरा जीवन कैसा होता अगर उस रात वो जो हार है वो नहीं गिरता, वो नहीं खोता, कौन जानता था ये सारी चीजें। जिंदगी में यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी चीज यार तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। और वही चीज मैटिल्डा के साथ भी हुआ, एक चीज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है या फिर तुम्हारी जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना भी सकती है। फिर एक दिन रविवार को यार मैटिल्डा जो है अपनी सारी टेंशन को दूर करने के लिए चाम्स में घूम रही थी, तभी उसको अचानक से एक औरत दिखती है जो कि यार वहां पर अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि मैटिल्डा की स्कूल फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर थी। तो मैटिल्डा यार उसको पहचान जाती है और अपने आप से कहती है कि अब जब सब चीज ठीक ठाक हो गया है तो अब मैं जाकर उसको ये सारी चीजें बता दूंगी, ये सारी हकीकत बता दूंगी कि मैंने उसको एक नया हार खरीद के दिया था। मैटिल्डा यार भागते हुए उसके पास जाती है और उससे यार अपना बातचीत करना शुरू करती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग जीन। उसकी सहेली यार उसको नहीं पहचानती है। वो कहती है माफ कीजिए, लगता है आप किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के पास आ गई है। तो वो कहती है नहीं, मैं मैटिल्डा हूँ। उसकी सहेली यार हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई कहती है ओ मेरी मैटिल्डा, तुम कैसे चेंज हो गई, तुम बिल्कुल ही बदल चुकी हो। हाँ, तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही बुरे दिन का सामना करना पड़ा, कुछ तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थे, सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। मेरे कारण? कैसे? क्या तुम्हें वो हीरे का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्री की पार्टी में पहनने के लिए दिया था? हाँ बिल्कुल याद है, वो हार मुझसे खो गया था। पर कैसे? तुमने तो मुझे उसे लौटा दिया था। मैंने तुम्हें एक दूसरा हार लौटाया था जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, और इसके लिए हमें 10 साल तक मेहनत करना पड़ा। हम लोग कर्ज में डूब गए, हमने अपने सारे घर वगैरह बेच बाज दिए, और 10 साल बाद आज मैं फिर से संतुष्ट हूँ। वो यार एक स्माइल के साथ ऐसा कहती है। और तुम्हें तो पता ही है जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन अब हम लोग खुश हैं। मिसेस फॉरेस्टियर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है। वो कहती है तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने मेरे हार के बदले में एक नया हार मुझे खरीद कर दिया था? हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें एक नया हार खरीद कर दिया था, तुमने उस वक्त उसको नहीं देखा था। तो यार श्रीमती फॉरेस्टियर जो है वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और कहती है क्या ऐसा हुआ था? वो यार मैटिल्डा का हाथ पकड़ते हुए कहती है ओ मेरी प्यारी गरीब मैटिल्डा, वो हार नकली थे, वो 500 फ्रैंक से ज्यादा के नहीं होंगे। और बस यार यहीं पे तुम्हारे चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। तो यार तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, नीचे कमेंट करो, ठीक है? यार मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इस कहानी से दो चीज सीखने को मिल रही है। पहला, जितनी औकात है उतने में रहो, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। और दूसरा, अगर तुमसे कभी गलती हो जाती है, तुमसे कुछ खो जाता है, कुछ टूट जाता है, तो तुम यार सामने वाले को बता दो। अगर आज मैटिल्डा ने सच्चाई बता दी होती तो उसको यार 10 साल तक कष्ट नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि यार उसके दोस्त का हार जो यार वो नकली था। तो बस यार यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ यार अगर तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।